केंद्रीय कृषि मंत्री नरसिंह तोमर को रेखा अटल मैत्री सेवा समिति के ज्ञापन में बताया गया है कि कोविड 19 की महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिला मुरैना में जनता कर्फ्यू लगाया था, जिसके तहत लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिससे समस्त जिले में बाजार बंद के साथ ही बसों का आवागमन भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्रीय जनता को एवं ग्रामीण जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। जबकि कोरोना संक्रमण काफ़ी कम रह गया है तथा बाजार भी खुलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बसों का संचालन अभी भी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि सीमावर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व अन्य जिलों में भी बसों का संचालन 1 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जिला मुरैना में जिला प्रशासन द्वारा बसों के संचालन को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। बसों का संचालन न होने से बस ऑपरेटर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा अपनी खड़ी बसों का टैक्स, किस्त एवं बीमा वहन करना पड़ रहा है। बस ऑपरेटरों की मांग है कि बसों के संचालन बंद अवधि का मोटरयान कर माफ करने तथा बंद बसों का संचालन प्रारंभ किया जाए, ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधा मुहैया हो सके। ज्ञापन देने वालों में हरी सिंह सिकरवार, मनु सिंह सिकरवार, पुष्पेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह परिहार, रामवीर सिंह परिहार, अजब सिंह, महेश सिंह सिकरवार सहित कई लोग मौजूद रहे। मुरैना से खबर हड़पल के लिए बंटी चौधरी की खबर। कानूनों को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है, लगातार 2-3 बॉर्डर घिरे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार सुधार की बात कर रही है, लेकिन परिणाम नजर नहीं आ रहे। किसान आंदोलन के मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह साफ है। कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। किसान यूनियन के सम्मान में हमने कई दौर बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसान यूनियन समझौते के रास्ते पर नहीं पहुंचना चाहता। किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव प्राप्त होगा तो भारत सरकार हमेशा उनसे बात करने के लिए तैयार। तो क्या ये जो आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर घिरे हुए हैं, आवागमन रखे हुए हैं, ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? सरकार को कोई निर्णय तो ले, उनको फाइनल करना है, हमको थोड़ी फाइनल करना है। जिन लोगों ने निर्णय किया उन्हें फाइनल करना है। हमारे सामने जो विषय विचार के लिए आएगा हम उस पर विचार करेंगे। आप कृषि मंत्री हैं और इस वक्त देखा जा रहा है कि फसल के दाम काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो खाद्य तेलों पर बड़ा असर पड़ा है, तो कैसे इस महंगाई को रोक पाएंगे? सरसों का तेल 80-90 से 180-90 पहुँच गया है। स्वाभाविक रूप से चाहे दलहन हो चाहे तेलहन हो, सरकार की निगाह सभी जिनसों पर है और महंगाई को नियंत्रित करने के सभी प्रकार के प्रयत्न भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जितना स्टॉक देश में है उस स्टॉक को सबको भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा, और वो ओपन करना शुरू हो गया है और निश्चित रूप से भाव नियंत्रण में आने भी प्रारंभ हो गया। खाद्य प्रसंस्करण भी आपके पास है, कृषि विभाग भी है, कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हैं, तो क्या योजनाएं हैं जिससे किसानों के और भी मतलब आर्थिक रूप से ताकतवर हो सकते किसान को आगे बढ़ने के लिए? जरूरी है कि किसान को FPO से जुड़ना चाहिए। किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो किसानी को छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति देश में किसानों की बन गई। देश के मैं समझता हूँ आपकी सूचना होगी, मुझे तो कोई विधायक की सूचना है नहीं कि कोई दिल्ली की ओर रवाना हुआ है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं। और आप जो ज्ञापन दे रहे हो किसके उद्देश्य को लेकर ज्ञापन दे रहे हो, क्या वो है? बस संचालन के संबंध में पूरे प्रदेश में 1 जून से बसें प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे आसपास के जिलों श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड सब जगह निरंतर पूरे जिले में बस चल रही है। केवल मुरैना जिला ही इससे अछूता रहा है। मुरैना जिले में कोई भी बस संचालन विगत 30 अप्रैल से सारी बसें जिले में बंद हैं, और हमको खड़ी बसों का टैक्स भी अदा करना पड़ रहा है, किस्त भी घर से भरनी पड़ रही है, और बीमा भी बहन करना पड़ रहा है। प्लस दूसरी समस्या सबसे बड़ी सवारियों की, ग्रामीण क्षेत्र की सवारियाँ, हमको जो परमिट मिलता है जनता की सुविधा हेतु, ग्रामीण क्षेत्र की सब जनता परेशान हो रही है आने जाने के लिए, क्यों ये सार्वजनिक परिवहन बंद हो जाएगा तो लोग खुद के निजी साधन क्योंकि डीजल 95 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गई, तो निजी साधन भी लोगों को काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। इसलिए शासन से हमारी मांग है कि बसों को जल्द से जल्द चालू करने का कष्ट करें। और कोई वो सरकार से हमारी माफ जी है कि पिछले